परिप्रेक्ष्य में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार साथियों को नमस्कार। आज 11 बजे हमारे राष्ट्रपति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था लखनऊ मुख्यालय पर। उन्हीं बिंदुओं पर हम पुनः स्थानीय स्तर पर ये बात करना चाहते हैं कि मतगणना निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए। रामपुर संपाल तमाम जैसे उदाहरण है, यहाँ उपचुनाव में किस तरह किया गया। हम ये अपेक्षा करते हैं कि हमारे सरकारी जो अधिकारीगण हैं इस दबाव में नहीं आएंगे और जो एग्जिट पोल के माध्यम से मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव बनाए जाने की कोशिश की जा रही है, ये फर्जी एग्जिट पोल वाले वही हैं जो भारतीय जनता पार्टी से पैसे लेकर बूथ मैनेजमेंट का काम करते रहे हैं। आपने तमाम को देखे, आप तो यहाँ सारे पत्रकार बंधु नाम लेना ठीक नहीं, सब जानते हैं कि यहाँ का भी परिणाम क्या है। और एग्जिट पोल की वजह से कि लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में 5 सीटों पर लड़ रही है, उनको 6 जिता रहे हैं। एक ने तो राजस्थान में 25 सीटें या 32 दे दिया, हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं, 6 सीटों पर जिता रहे हैं। तो इससे एक जो मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव और भय का माहौल पैदा किया जा रहा है, इसकी हम निंदा कर रहे हैं। आज सुबह मुझे अचानक खबर आया कि हमारे यहाँ जो मंडी नवीन मंडी में CCTV बंद हो गया है। पता किया तो पता चला कि बोले कि जनरेटर बंद हो गया है, जनरेटर का तेल का पैसा नहीं है, फिर मंगाया गया, फिर दोबारा बंद हुआ। मैं अधिकारियों से बात किया तो वो वापस शुरू हुआ CCTV। ये सब बातें हो सकती है कि टेक्निकल प्रॉब्लम रहा हो, लेकिन जिस तरह का माहौल सुप्रीम कोर्ट की बहस से लेकर जमीन स्तर पर चल गया है, जिस तरह से माहौल भारतीय जनता पार्टी ने अपने एग्जिट पोल वालों के माध्यम से बनाया है, हर कार्यकर्ता के मन में शक है, हर आम आदमी के मन में शक है। हम लोग जब गांव में प्रचार करने जाते थे तो गांव की महिलाएं जो नहीं पढ़ी लिखी हैं, मजदूर वर्ग की हैं, वो भी कहते हैं बाबू उठवा तब के आपने कह देती मछलियाँ मुझे चुरा लेते। अगर इस तरह की क्रेडिबिलिटी नीचे हुई है तो माननीय चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी बनती है। जो वर्तमान में अधिकारी यहाँ काम कर रहे हैं, चाहे बड़े स्तर से छोटे स्तर के हो, इसमें माना जाता है कि चुनाव आयोग के निर्देशन में काम करते हैं, तो चुनाव आयोग के मानकों का पालन जरूर होना चाहिए। और राम देवतन सामने आएगा जिस तरह से यहाँ अब तो हम बोले हैं तो आप लोग बोलना शुरू कर देते हो, किसी ने पहले रोना शुरू कर दिए। यहाँ जिस तरह के मंत्री जी लोगों ने काम करवाया, मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता था, लेकिन हम जानते हैं कि बहुत ऐतिहासिक बहुमत के साथ करामूल सीट जीतने वाले हैं, चाहे कोई कुछ भी करा ले। खेला हो सकता है, दीवार टूटी हुई है, बाउंड्री वाल की हम लोग गए थे वहाँ, आप भी पत्रकार साथी जाएंगे तो बाउंड्री वाल जिसने हमें मशीन रखी है, एक तरफ दीवार टूटी हुई है, एक तरफ मिट्टी रख कर ऊँचा कर दिया गया है कि कोई भी आदमी आ सकता है, CCTV खराब हो गया। मैं अभी भी उम्मीद करूँगा कि प्रशासन निष्पक्ष है और मैं चाहूँगा कि भरोसा बना रहे, लेकिन अगर किसी तरह की कोई भी अप्रिय कार्रवाई होती है, किसी भी पक्ष से संदेह के दायरे में कुछ आता है, तो समाजवादी साथी चुप नहीं रहेंगे। हमारे हजारों साथी मतगणना के समय मौजूद रहेंगे। इसलिए मेरा निवेदन सत्ता पक्ष से भी है और शासन से भी है, प्रशासन से भी है कि लोकतंत्र के किसी रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अरे धांधली किस प्रकार से हो सकती है, क्या इसमें संभावना है? आप लोग तो पत्रकार साथी तमाम हम समय समय पर रिपोर्ट करते रहे हो, आप सब जानते हो कि धांधली किस किस प्रकार से होती है, आप सबको पता है। पोलिंग तो बहुत पीसफुल हुई, जिस तरीके का माहौल लोग सोचे नहीं थे उससे भी बेहतर हुई। जिला इंतजामिया की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मैंने स्वयं व्यक्तिगत रूप से मिलकर उन लोगों सबको धन्यवाद दिया है, इसीलिए भरोसा कायम है। अगर अधिकारी उस तरह से नहीं किए होते भरोसा नहीं होता, लेकिन भरोसा करना हमारी जिम्मेदारी है और हमें पछतावा न हो भरोसा करके गलत किया, ये जिम्मेदारी प्रशासन की है। इंडिया की सरकार बन रही अभी भी आपको उम्मीद है इतना सर्वे के देखने के बाद भी? कहे का सर्वे की बात कर रहे हैं, जो एग्जिट पोल सब चल रहा है, 5 सीट लड़ने वाले की 6 सीट दे दोगे, 4 सीट जहाँ 6 सीट जिता दोगे, 25 सीट जहाँ 25 सीट दे दोगे, तो क्या मतलब है उसको, सर्वे का क्या मतलब है? राजस्थान में कितनी सीटें हैं, बिहार में लोकसभा कितनी सीटों पर लड़ रही है,
मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं, कितने लोग आप तो पत्रकार साथी ग्राउंड लेवल पर हर जगह दिखते थे, आप में से कोई सर्वे करने वाले से मिला? हमने से कोई नहीं मिला। कोई आप साथी में से देखा कि कोई सर्वे कर रहा है? मिला नहीं मिला। और जिस तरह से आंकड़े देख लीजिए, पिछले विधानसभा के आंकड़े देख लीजिए, जातीय आंकड़े देख लीजिए, लोगों के बीच लोकप्रियता देख लीजिए, किसी भी पैरामीटर पर घुसे लोकसभा, आप लोगों में से सारे जानते हो, मेरे व्यक्तिगत रूप से कहते भी रहते हो कि आप जीत रहे हैं। तो अब यहाँ का भी कोई एक चैनल दिखा रहा है कि कोई और जीत रहा है, तो इस तरह से माहौल तो पैदा होगा ना। आपने सुप्रीम कोर्ट तक जो बात चली गई, बार बार जो बात बहस हुई, राष्ट्रीय चैनलों पर बहस हुई, उसके पीछे कुछ तो वजह नहीं होगी। लेकिन ज़्यादातर एग्जिट पोलों में आपको लीड दिखाई जा रही है। देखिए, मैं तो एग्जिट पोल नहीं, एग्जैक्ट पोल की बात कर रहा हूँ। एग्जैक्ट पोल में मैं समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी लाखों ओर से जीत रहा है। आप अगर पीछे आप सारे अनुभवी पत्रकार हो, सबको ग्राउंड रियलिटी पता है, दो ही तीन पैरामीटर होता है ना, कैंडिडेट के कार्यशैली, लोकप्रियता, जातीय समीकरण और पिछले मतों का समीकरण, आप तीनों में से जो घटा लीजिए, परिणाम आप ही बता दोगे। राय साहब, नेशनल पॉलिटिक्स में आपकी गहरी नज़र रहती है। जयराम रमेश ने कहा कि 150 डीएम को अमित शाह ने फोन किया है, इसको लेके जो इलेक्शन कमीशन, आप चीफ इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दे दिया है, किस तरीके से ले रहे हैं? जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वोटर लिस्टों में मेरा फेरी का आरोप लगाया था, तो ये चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी नोटिस दिया था। जब हमने अफिडेविट पर जवाब दे दिया तो खामोश क्यों हो गया? इसका मतलब जो हमने बोला था सच था, और सच था तो